पर्सनली वीजा निकलवाना है तो भाई उसका थोड़ा अलग है, उसका हम क्या बताएगा। हम मेरे से नंबर ले लो, पर्सनली किसको जाना है तो चले जाओ। और भाई सऊदीया भी जाना है तो सऊदीया भी देखो, कहीं कंट्री घूमो देखो। हेलो गाइस, कैसे हो? ऑफ कोर्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ मलेशिया में मंदिर है, देखते हो भाई, यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखो भाई, ये पूरा मंदिर है, अभी अभी इतना है नहीं, ऊपर खींचे जाएगा, इसलिए पूरा दूर से देखो कैसा मंदिर बनाया है। पूरा मलेशिया में चकाचक बम बम बनाया मंदिर, अच्छा एकदम साफ सुथरा। यहाँ कहीं चलो भाई, आज घूम के आते हैं मंदिरों पर, तनी घूम लेते हैं आज के। अब आएंगे तो फिर अगली बार दर्शन वर्शन करेंगे, पूजा कर लेंगे। और भाई बताओ, तुम लोग कैसे हो? ऑफकोर्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी जिसको जाना है रमज़ान के बाद, अभी ये वीज़ा निकलने वाला है, क्योंकि आगे वाला वीज़ा निकला था, जितना जितना वो फुल हो गया है, इसमें मेडिकल आगे वाला कुल कितना मेडिकल हुआ है, सब मेडिकल होके फुल हो गया है। बस अगली राउंड के लिए तैयार रहना भाई, जब वीडियो अपलोड होएगा तो ध्यान देना कि कब वीज़ा निकल रहा है। कब वीज़ा निकलेगा तो भाई ना मेडिकल कोलकाता में करा लेना जल्दी से जल्दी, वहाँ पे जल्दी वीज़ा निकल, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आता है, चेन्नई से भी ज़्यादा, हम कोलकाता में बहुत है, बड़ा ऑफिस है वहाँ पे, वहीं से मलेशिया का फ्लाइट होता है भाई, जानेंगे भाई ना। यहाँ पे आप चलते हैं, घूमते हैं, देखो मज़ा लो, देखो कैसा है यहाँ पे मलेशिया का भाई सीन, देखते हो ना भाई, मस्त है कंटास भाई। भाई तुमने देखा मंदिर यहाँ पे है, मलेशिया में जानते हो आधा हिंदू आधा मुस्लिम, सब लोग मतलब हर कास्ट के यहाँ पे आदमी मिलेंगे, हर धर्म के आदमी मिलेंगे। यहाँ पे भेदभाव कुछ भी नहीं है, जहाँ पे तुम रहो कुछ भी रहो घूमो, ऐसा नहीं घूमने कुछ भी नहीं मिलेगा, मंदिर संदिर मस्जिद सब कुछ मिलता है यहाँ पे, क्योंकि एक एक कास्ट के आदमी तो है नहीं, एक धर्म की कोई है नहीं, कोई बुद्ध का मानता है। तो भाई ऐसे मलेशिया में जिसको अभी आने के लिए कह रहे हैं भाई, मलेशिया में जो पहले के वीज़ा अभी जो मेडिकल हुआ है भाई, वो अभी ना जब इसका पूरा फ्लाइट नहीं हो जाएगा, दूसरा मेडिकल अभी नहीं होगा, क्योंकि इतना मेडिकल करा के किसका मेडिकल ख़राब थोड़ी किसी कराना है। अगर पर्सनली वीज़ा निकलवाना है तो भाई उसका थोड़ा अलग है, उसका हम क्या बताएंगे। हम मेरे से नंबर ले लो, पर्सनली किसको जाना है तो चले जाओ। और भाई सऊदीया भी जाना है तो सऊदीया भी देखो, कहीं कंट्री घूमो देखो। हाँ ज़रूरी है कि प्लांटेशन में आना तो प्लांटेशन ने खाली ट्राई करो, ठीक है भाई। बाकी एक चीज़ है कि हर कंट्री में पैसा है भाई, उतना नहीं है जितना मलेशिया दे सकता अपोर्ट करता है, बट इसमें ठीक है भाई, क्या करोगे, सब लोग इसी में जाना चाहते हैं क्योंकि मनमौजी ड्यूटी है इसके लिए भाई, बस ठीक ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह के, कोई बोलते भाई समझता समझता तो नहीं हो। और भाई यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे सैलरी की भाई बात करो तो सैलरी जिस महीने में तुम आओगे उसी महीने में तुमको कितना दिन काम करोगे, 1 से लगाई 5 तारीख को अंदर में तुमको सैलरी मिल जाएगा, क्योंकि मलेशिया कंट्री ने सिर्फ तुमको 5 दिन के पैसा रोकती है और कोई ज़्यादा दिन 15 दिन 1 महीना का पैसा नहीं रखता है। यहाँ पे कुछ अलग है, हर कंट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा है कंट्री बस इतना जानते हैं। सैलरी के मामले में तगड़ा है, सैलरी टाइम के टाइम मिलता है, सैलरी में कोई अथु नहीं है कि 1 10 दिन बाद मिलेगा 15 दिन बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। का जब सैलरी तुमको मिल जाएगी इतना महीना लगेगा, 31 महीने लगेगा, हम 5 तारीख हो तो 4 तारीख होते ना सबका सैलरी मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे इंतजार नहीं करना पड़ता है, घर पर आने बाद 15 दिन फिर इंतजार करो, 15 दिन कंपनी रोकेगा तब जाकर तुमको सैलरी मिलेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऐसा तो मस्त है, हमको हर कंट्री दुबई में आता, दुबई में जानते हैं भाई 15 दिन का सैलरी रोकता था, अब धीरे 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 करते करते महीना दिन के सैलरी रोकता है तो फिर दूसरा महीना का सैलरी देता है, ऐसा होता है भाई। बाकी यहाँ पे हम आते जिस महीना में काम किया भाई उसी महीना में सैलरी मिल गया, ठीक, हमको अच्छा लगा, बढ़िया लगा कि चलो भाई हर कंट्री थोड़ा बढ़िया मज़ा लेगा कि मिला के चलो भाई एक कंट्री में कम से कम तो पैसा तो मिल जाता है ना जल्दी, यही के लिए हमको ना बहुत अच्छा लगा। और कुछ नहीं, पैसा टाइम पे टाइम है, सैलरी है, आराम से पैसा भेजो घर पे। किसको भाई वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई जिसको बात करना है इंस्टाग्राम पे SMS करो, जो बात पूछना है तो पूछ सकते हो, कॉल करना है तो कॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबका जवाब मिलेगा।
लेट मिले कहें देर से मिले, मिलेगा सभी का जवाब मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो तक ले इंतजार करना, वीजा जब तक लाएगा तब तक इंतजार करो। वीजा तभी नहीं निकला है, जब वीजा दूसरे राउंड के निकलेगा रमजान के बाद निकलेगा तो मैं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंचा दूंगा कि वीजा निकल गया भाई। मेडिकल के ट्राई ऑफिस में ट्राई करो, कहीं भी एजेंट के पकड़ो, कहीं ऑफिस में ट्राई करो, जल्द से जल्द जाओ ठीक है। तब तक ले बाय 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 जैन।